कोई भी कहता है ना काब्ज हटा दो, सबसे पहले उस इंसान को अपनी जिंदगी से हटा दो, हमसे ही ले लो सारे डिलीवरी के पैसे। वाओ, एक और नया बैग कलेक्शन में ऐड होते हुए, ये भी जाएगा सीधा बिस्तर के अंदर। वाह 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 क्या है? वाह 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 This is only me. बेस्ट पार्ट, फ्राइड गुडीज। और मम्मी कोई मना भी नहीं करता, ना मम्मी ना बीवी, सारे बोलते हैं खाओ तलावा खाओ, मोटे हो जाओ, कोई नहीं बिंदास एकदम। भैया मैं तो पार्ट टाइम हलवाई बन सकता हूँ, एकदम बढ़िया हाथ बैठा हुआ है इन कामों में। ये तो देखो, ये जो गूंद है ये देखो, और हमारी टिक्की बनाने वाले कारीगर को देखो, इनकी हंसी देखो। चल पलट वो चल जाएगा, जल नीरा करारे हो रहे, क्रिस्पी करारे ब्राउन मुंडे। ओके, आज का फिटनेस व्लॉग तो नहीं है ये, ये डेली व्लॉग ही है, ठीक है। हम खा रहे हैं तली हुई चीजें, फ्राइड गुडनेस। चल भाई तेल छोड़, बाकी तेल ये ठंडा होने पे अब छोड़ देगा। और ये गया सर, वाह, जोमेटो स्विगी ये सेम चार टिक्की दही के साथ दे रही है ना, 400 रुपए मांग रहे हैं, हमने इधर 80 रुपए में कम से कम 12 टिक्किया बना देनी है। व्हाट इज दिस, ये कैसा बिजनेस मॉडल है तुम्हारा? हमसे ही ले लो सारे डिलीवरी के पैसे। ये कला देखो जरा, और ये रहा आउटपुट। अगर हम सारे घर पे बैठ के ऐसे बनाते रहे ना, जोमेटो स्विगी का भाई नवरात्र के खाने का मेन स्टार आइटम जो है ना वो बनाएगा। त्योहार की खुशी में इतना तो एक चीट मील हो ही सकता है। अब दिक्कत यह है, मेरा चीट मील है ना हर अल्टरनेट डे पे हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। क्या था मुझे चीट मील में? एक तो वो कुल्फी हो गया था, वो भी आधी थी, बट स्टिल आधी थी, थी तो सही। ऐसे छोटे छोटे चीट मील्स भी नहीं कह सकते यार, इन्हें चीट स्नैक्स है मेरे। ये अभी भी मेरे को थोड़ा ऐसे काब्ज है ना, इंसान को खुश रखते है जिंदगी में, ठीक है। कोई भी कहता है ना काब्ज हटा दो, सबसे पहले उस इंसान को अपनी जिंदगी से हटा दो। आज है डे 27। ये इतनी एक्साइटमेंट जो दिखा रहा हो ना, मैं है नहीं, आज का मेरा पूरा दिन बकवास गया। कुछ दिन होता है ना, तुम कुछ भी काम कर लो, तुम्हारे पसंद का नहीं हो रहा होता, तुम्हारे आउटपुट तुम्हारे पसंद का नहीं आता, और तुम्हें एज एन ओवरऑल तुम्हारी एनर्जी डेड हुई पड़ी होती है। लेकिन हाँ, ये सारी डेड एनर्जी को साइड रखते हुए जिम जा रहा हूँ थोड़े एक दिमाग में पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि जो पूरे दिन भर की भड़ास और दिमाग खराब हुआ है ना, वो बस एक वो एक जगह है जो थेरेपी है यार, एक तरह से थेरेपी होती है, ठीक है। जो कोई भी जिम जाता है लगातार, उसको पता है ये फीलिंग क्या है। तो या उन सब के लिए ऑल द बेस्ट, जो नहीं करते यार तुम पता नहीं कैसा अपना दिन का गुजारा कर लेते हो, लेकिन या दैट इज हाउ इट इज। अब जिम लेग डे, जिम, एक्साइटमेंट लेवल धीरे धीरे कम होते हुए, लेकिन करना है, बिल्कुल करना है यार। आज भी जमाते हुए लेट हो गए, सो या जैसे आज का दिन जा रहा है, लग ही रहा था ऐसा कुछ होगा। टाइम कम है, लेग्स नहीं कर रहे, आर्म्स कर रहे हैं, और आर्म्स में बाइसेप ट्राइसेप दोनों को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि 40 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए, और 20 मिनट्स या 15 मिनट्स कार्डियो के लिए भी बच जाएगा, विच इज़ नाइस। अब स्ट्रेचिंग, माइल्ड कार्डियो, वेट ट्रेनिंग और इंटेंस कार्डियो। टाइम, डिस्टेंस, कैलोरीज, आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है यार। बाइसेप से वापस लेग्स ही करने का डाउट हो रहा है। अब नीचे जाके पता चलेगा कि लेग्स करूंगा या बाइसेप ट्राइसेप। लेग्स बहुत डिमांडिंग होते हैं यार, मेंटली एंड फिजिकली दोनों, और आज फिजिकली भी जान नहीं लग रही और मेंटली भी एग्जॉस्टेड ही लग रहा हूँ, सो इसलिए लेग्स का रिस्क नहीं ले रहा अभी, कल लेंगे। कल मूड नहीं भी हुआ तो भी कॉफ़ी है। अब जिम, एक अच्छे वर्कआउट की संतुष्टि ना अपने आप में एक अलग ही रिलैक्सिंग फील है, जब वर्कआउट के बाद तुम्हें एक अच्छा पंप आए, या फिर तुम्हें पता है कि हाँ तुमने तो पूरा 100% दे दिया, पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गए हो। वैसे वर्कआउट के बाद दिन खराब भी हो ना, एक संतुष्टि मिल जाती है, थोड़ी सी खुशी आ जाती है अंदर। तो ये मेरा वही पल था, वर्कआउट डन, अब घर को।